सबको शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर कुल में। तुच्छ वानर कुल में। ऐसा मत कहिए चंद्रदेव, हम जैसे भी हैं हम अपनी पूरी सामर्थ्य आपको। बस देवी अंजना बस, मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैं देवश्री नारद की बातों में आकर उनसे सहायता मांगने चला आया जो स्वयं ही भयभीत हैं, जिनमें मेरी रक्षा करने का सामर्थ्य ही नहीं है। सुमेरु, एक बार सुमेरु के बाहर आ जाए चंद्रदेव, विवश कर दूंगा मैं उसे। स्वयं अमृत ला कर देंगे मुझे चंद्रदेव। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। बोलो कालनेमी, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, चंद्रदेव अभी अभी सुमेरु से बाहर निकले हैं और वो बुध ग्रह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मुझे याद है आपके हृदय पर क्या बीत रही होगी। जिन चंद्रदेव के लिए आपने व्रत रखा, अन्न जल त्याग दिया और वो ही स्वयं रुष्ट होकर चले गए। ये मेरा दुर्भाग्य है पुत्र। माँ आप ऐसा मत कहिए, हनुमान आपको ऐसे नहीं देख सकता। आपका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। माँ अब आप मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए, मैं सारी स्थिति संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ नहीं पुत्र, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकती। माँ क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है हनुमान, स्वयं से अधिक मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, किंतु अब मैं तुम्हारा बिछो नहीं सह सकती। यदि तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पा। माँ मैं शीघ्र लौट आऊंगा। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से दूर नहीं कर सकती। और ना ही मैं तुम किसी संकट में पड़ने दूंगी।
किंतु माँ, आपके व्रत का क्या होगा? आप कब तक कुछ नहीं खाएंगी? ना जाने चंद्रदेव कब उदित होंगे। तुम मेरे व्रत की चिंता मत करो पुत्र। चंद्र दर्शन हो या ना हो, मेरे नेत्रों को तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। माँ, हनुमान की सारी शक्तियाँ, हनुमान का जीवन सब व्यर्थ है यदि मैं आपका वचन पूर्ण नहीं कर पाया। माँ, क्या मैं आपका अच्छा पुत्र नहीं हूँ? मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना माँ? बार बार आपको पुत्र विछोह की पीड़ा सहनी पड़ी है, तो मैं क्या करता माँ? कौन पुत्र अपने माँ के सुखमय आंचल से दूर होना चाहेगा? किंतु मुझे परिस्थिति ने बार बार विवश कर दिया था। माँ, मैं आपको इस प्रकार दुखी नहीं देख सकता माँ। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं एक अच्छे पुत्र की भांति आपका व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की शक्ति ने ही मुझे हर संकट से बचाया है माँ। अंजना, इस संसार में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी सहायता करने में सक्षम हो। बुद्ध तो मेरा पुत्र है, कहीं उसने भी। कौन है ये? रावण, ये यहां क्यों आए? चंद्रदेव, चंद्रदेव, सदैव दमकने वाला आपका मुख आज कांतहीन और निस्तेज क्यों हो गया? भयभीत प्रतीत हो रहे हैं आप। कहीं शनिदेव के कारण? अरे हाँ, शनिदेव से तो सभी भयभीत रहते हैं, केवल मुझे छोड़कर। समस्त संसार में केवल मैं ही हूं जिससे शनिदेव भयभीत रहते हैं। स्मरण है ना आपको चंद्रदेव? बंदी बनाया था मैंने उन्हें। सहायता कर सकता हूं मैं आपकी? बिना स्वार्थ कोई सहायता नहीं करता, मुझे क्षमा करें। तो कहां जाएंगे आप सहायता मांगने? अपने उस निर्बल पुत्र बुद्धदेव की सहायता मांगेंगे? मैं कहीं भी जाऊं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उचित है, जाइए, अवश्य जाइए, किंतु स्मरण रहे चंद्रदेव, संसार में आपकी सहायता करने का सामर्थ्य मेरे अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं है। और हाँ, शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं।
जाएगा मुझे अब विजय। माँ, माँ, माँ आप उठिए ना माँ। महाराज केसरी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। न जाने अंजना को क्या हो गया। महाराज केसरी, वचन और व्रत के अपूर्ण रह जाने की आशंका, अन्य जल का त्याग, इनके कारण ही महारानी अंजना की यह दशा हुई है। इनका उपचार मात्र एक ही है, इनके व्रत की पूर्णता। और इसके लिए आवश्यक है कि हनुमान जाकर इस स्थिति को संभालें और चंद्रदेव को शनि देव के प्रकोप से बचाएं। किंतु मैं माँ को इस दिशा में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? माँ ने मुझे अनुमति भी नहीं दी है। पुत्र हनुमान, मैं देता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ की ओर से अनुमति। जाओ, जाके अपनी माँ के वचन को पूर्ण करो एवं इस संकट को हरकर अपने नाम को सार्थक करो। पुत्र हनुमान, शनिदेव के आंशिक दृष्टिपात ने तो आपको चंद्रलोक छुड़वा दिया, पूर्ण दृष्टिपात से क्या होगा, आप चंद्रलोक लौट ही नहीं पाएंगे। अनंत काल तक आप इस ब्रह्मांड में भटकते हुए रह जाएंगे। सुन रहे हैं ना चंद्रदेव, आप भटकते रहेंगे आप इस अनंत ब्रह्मांड में। ये साधारण उल्का पिंडों के भांति सोचिए चंद्रदेव, सोचिए। एक देवता प्रजापति दक्ष का जामाता एक साधारण पिंड बनकर रह जाएगा क्यों? एक तुच्छ शनिदेव के कारण। मैं माँ से आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? माँ उठिए, माँ। आपका पुत्र हनुमान आपको पुकार रहा है माँ, अपने नेत्र खोलिए। उठिए माँ, माँ उठिए ना माँ। अपने आप को संभालो पुत्र हनुमान। हनुमान, चंद्रदेव और शनिदेव के मतभेद से उपजे इस संकट को हरने के पश्चात ही तुम अपनी माता की इस विषाद को हर पाओगे। किंतु माँ के आशीर्वाद के बिना गया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो आप रक्षा करेंगे मेरी शनिदेव से? अवश्य अवश्य करूंगा मैं आपकी रक्षा चंद्रदेव, यदि आप चाहें तो। किंतु आपको भी तो फिर रावण के लिए कुछ करना पड़ेगा ना चंद्रदेव। रावण के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य बचा भी नहीं सकता। क्या सोच रहे हैं चंद्रदेव, आपको निर्भय एकमात्र मैं ही बना सकता हूं।
उचित है लंकेश। यदि आपने मुझे शनिदेव की दृष्टि से रक्षित किया तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। वचन दे रहे हैं आप चंद्रदेव। हाँ लंकेश, मैं चंद्रदेव वचन देता हूँ आपको कि आप जो कहेंगे वो करूंगा मैं। हनुमान माँ, आशीर्वाद एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। आपका व्रत और वचन दोनों पूर्ण हो जाएंगे। चंद्रदेव के दर्शन आपको अवश्य होंगे। पूजा का थाल सज्जित करके रख लीजिए। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम नानी। माँ की आज्ञा और आशीष लेकर निकले बाल कपीश। करना दूर चंद्र की उलझन, माँ के वचन निभाए हनुमन। महाभयंकर भीषण भारी शनि दृष्टि से सृष्टि दुखारी। मंगल मूर्ति का अभियान क्या होगा इसका परिणाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बहुत व्यथित है चंद्रदेव। सुमेरु से निकलने के पश्चात ना जाने कहाँ चले गए होंगे वो। मुझे शीघ्र से शीघ्र उन्हें ढूंढना होगा। चंद्रदेव, वचन निभाते हुए आप चंद्रलोक जाइए और मेरे लिए अमृत कलश ले आइए। अमृत कलश? किंतु लंकेश, अमृत कलश देवताओं की धरोहर है। यही ना, किंतु मैं पूछता हूँ किन देवताओं का? वो देवता जिन्होंने आपकी चिंता तक नहीं की, या वो त्रिदेव जिन्होंने आपकी तरफ से मुंह फेर दिया? चंद्रदेव, उन देवताओं के लिए आप अमृत कलश की रक्षा करेंगे? सोच रहे हैं चंद्रदेव, शनिदेव से सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, या उन देवताओं के लिए अमृत कलश की सुरक्षा करनी है आपको, जिन्हें आपकी सुरक्षा की चिंता तक नहीं? कदाचित आप सत्य ही कह रहे हैं लंकेश। जिसे मेरी ही चिंता नहीं तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? जिन्होंने मुझे शनिदेव के प्रकोप से बचाने का प्रयत्न तक नहीं किया, वो निर्बल देवता क्या रक्षा करेंगे आपकी? आपकी रक्षा केवल मैं लंकेश दशानन रावण कर सकता है। एक बार, केवल एक बार, एक
और वो अमृत कलश मेरे हाथों में दे दीजिए चंद्रदेव। फिर उस शनिदेव को बंदी बनाकर आपके चरणों में फेंक देगा रावण। आपकी ओर देखना तो दूर, आपके चरणों से भी दृष्टि ऊपर नहीं कर पाएगा वो। उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए अभी अमृत कलश लेकर आता हूं। कैसे भी करके मुझे चंद्रदेव को ढूंढकर उनके और शनि देव के विवाद को समाप्त करना ही होगा, जिससे कि शीघ्र ही माँ का व्रत पूर्ण हो सके। किंतु कहाँ जा सकते हैं चंद्रदेव? या तो चंद्रलोक गए होंगे या चंद्रलोक से उनके बारे में ज्ञात हो सकता है।